दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते दिल्ली में अभी आग बुझी ही नहीं थी कि अब बंगाल में भी सीएए को लेकर बवाल तेज हो गया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश से आए हुए सभी लोग भारतीय नागरिक हैं जो चुनाव में वोट डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि ऐसे लोगों को नए सिरे से नागरिकता के लिए आवेदन देने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी सालों से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव करते चले आए हैं और आगे भी बंगाल में ऐसे ही चलेगा। आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह पहले भी कई बार क्लियरली बोल चुके हैं कि वो घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल के ही रहें। बंगाल जहाँ पर भारी मात्रा में बांग्लादेशियों के होने की आशंका है, उनको ममता बनर्जी के होते देश से निकालना काफी मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि बंगाल में आने वाले समय में ही चुनाव है और इसी के चलते बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं। पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसारने में जुटी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर मुस्लिम अपीजमेंट और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाती रही। ममता बनर्जी ने दिल्ली हिंसा पर मोदी सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में बंगाल को दूसरी दिल्ली नहीं बनने दे। क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पोलो न्यूज़ इंडिया।